हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 का 8th एंड 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। द डिस्टेंस अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 400 मीटर्स, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 26 मीटर्स मोर देन द ब्रेथ। कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड बोलकर बोल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इसका मतलब यह है फ्रेंड, एक रेक्टेंगल का टोटल 4 साइड्स को मिलाकर डिस्टेंस उसका 400 मीटर से बोल रहा। अगर जिसका लेंथ 26 मीटर ज़्यादा है किसे ब्रेथ से, और उसको कैलकुलेट करो बोल रहा है, लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट करो बोल रहा। तो स्पेसिफिकली अपन को कोई करेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, तो अपन को लेंथ भी और ब्रेथ भी दोनों फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। सो एक रेक्टेंगल को ये बोल रहा है कि फोर साइड्स का जो भी डिस्टेंस है उसको ऐड करते हुए ये टोटल 400 हो रहा बोलकर बोल रहा, 400 मीटर्स बोलकर बोल रहा। फोर साइड्स, ये 1, 2, 3, 4 साइड्स का पूरा ऐड करके सम करके 400 मीटर्स हो रहा है। तो उसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, पेरीमीटर आपको फॉर्मूला पता है ना फ्रेंड्स, 2 × L + B। पेरीमीटर भी क्या होता है, जिसको अपन टू साइड्स अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल रहता है रेक्टेंगल में, ये दो साइड सेम रहते हैं और ये दो साइड सेम रहते हैं। ओके, सो 2 × L + B बोल के अपन पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + B लिखते हैं ना फ्रेंड्स। तो वो सेम उसी का पेरीमीटर को उन्होंने क्या बोला, रेक्टेंगुलर फील्ड अराउंड बोलकर बोला। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अपन को इधर अपन इसको ब्रेथ को फर्स्ट अपन एक्स मानेंगे। लेट रेक्टेंगुलर फील्ड ब्रेथ बी एक्स। सो अपन इसका जो भी ब्रेथ है अपन उसको एक्स मान रहे फ्रेंड, और अपन को लेंथ क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, सेम उसी का ही रेक्टेंगल फील्ड लेंथ बी, ये कितना है फ्रेंड्स, 26 मीटर ज़्यादा है बोल रहा है किससे, ब्रेथ से। सो एक्स प्लस 26, सो ये अपन लेंथ को एल से डिनोट करेंगे और ब्रेथ को बी से डिनोट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अभी अपन क्या करना है, अपन को जस्ट अपन को ये और बोल रहा है कि टोटल 400 मीटर्स बोल रहा है। सो अपन क्या करेंगे, इधर ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर लेंथ, अगर ये अपन लेंथ मान रहे तो ये भी लेंथ है, ये दोनों सेम लेंथ है और ये दोनों सेम ब्रेथ है। ओके फ्रेंड, सो टू टाइम्स मैं क्या करूँगा, पेरीमीटर ऑफ, मैं डायरेक्टली पेरीमीटर के थ्रू अपन इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको भी ईजी हो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B। सो इधर एल क्या है फ्रेंड्स, एक्स प्लस 2 है, 26 सॉरी, प्लस ब्रेथ क्या है, एक्स है। ओके, ये हो गया पेरीमीटर। सो ये पेरीमीटर बोल तो क्या है, टोटल 400 मीटर्स दिया है ना फ्रेंड, मैंने इधर 400 भी लिख ले रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आऊंगा फ्रेंड यहाँ तक। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, जस्ट 2 × 2 ऐसे लिख लेंगे, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, 2x प्लस 26 का 26। अभी अपन क्या करेंगे, इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देंगे, सो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 × 2x, दैट इज 4x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 × 26 क्या हो जाएगा फ्रेंड, 52। ओके, सो अभी अपन को यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो 52 को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करूँगा, 52 ये प्लस जाके क्या हो जाएगा, -52 हो जाएंगे। सो 400 - 52 करने पर क्या आ जाएंगे फ्रेंड, 348 आ जाएंगे, इज इक्वल टू 4x। ओके, सो अभी मैं 4 को भी ट्रांसपोज करूँगा, 348/4 इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो अभी अपन देखेंगे, 4 × 1 = 4, 8 = 32, रिमेनिंग 2, तो 28 बोलते फ्रेंड्स, 7। सो एक्स इज इक्वल टू 87 आया फ्रेंड्स। ओके, एक्स इज इक्वल टू 87 अपने को आया। बट इधर क्या पूछ रहा है फ्रेंड, कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ बोल रहा है। सो अपन को ब्रेथ तो आ गया, ब्रेथ क्या माने अपन, ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया फ्रेंड्स। अभी अपन को क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है। लेंथ क्या है फ्रेंड्स, एक्स प्लस 26 है। ओके, एक्स प्लस 26, सो बी देयरफॉर द लेंथ एल इज इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस 26। सो एक्स कितना है फ्रेंड्स, 87 प्लस 26। सो 87 प्लस 26 करेंगे फ्रेंड्स, क्या आएगा, 113 लेंथ है, और ब्रेथ कितना है फ्रेंड्स, अपन ऑलरेडी ब्रेथ अपन देख लिए, ब्रेथ बी इज इक्वल टू एक्स, दैट इज 87। ओके, मैं इधर भी लिख दूंगा 87, इधर भी 87। सो इस तरह अपन को लेंथ एंड ब्रेथ कैलकुलेट करना। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स।
इसे अपन 8th क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी मीटर्स में आना है और ये भी मीटर्स में, क्योंकि अपन को टोटल मीटर्स में दिया सो है। सो ये भी अपन ब्रेथ इधर भी मीटर्स में डाल लेंगे। सो अपने को क्वेश्चन पूरा मीटर्स में दिया, उसके लिए मैंने मीटर्स में लिया। तो यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ओके, सो पेपर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन भी देख लेंगे। देखिए फ्रेंड, 9th क्वेश्चन, सॉरी, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 8 मीटर्स लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 56 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो सेम वही कॉन्सेप्ट पे 8th क्वेश्चन जो अपन सॉल्व किया, सेम वही कॉन्सेप्ट पे फ्रेंड्स। तो देखेंगे रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 8 मीटर्स लेस है जब उसका ब्रेथ का ट्वाइस करने पे। ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 56 बोल के दिया। सो अब अपन क्या करेंगे, लेट फर्स्ट अपन ब्रेथ को एक्स मानेंगे। लेट रेक्टेंगुलर फील्ड ब्रेथ बी इज इक्वल टू, मैं ब्रेथ को बी मान रहा हूँ फ्रेंड, बी इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। ओके, इधर भी अपन को मीटर्स लेना है और अपन को रेक्टेंगुलर फील्ड किसका लेंथ का, उसको अपन क्या करेंगे, एल मानेंगे फ्रेंड्स। एल इज इक्वल टू क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2x, क्योंकि ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोल रहा ना, ट्वाइस इज ब्रेथ 8 मीटर्स लेस बोल रहा। सो 2x माइनस 8। सो यहाँ तक तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, पेरीमीटर फॉर्मूला अपन को पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड दिया सो 56 मीटर्स। सो 56 इज इक्वल टू 2 इंटू एल क्या है फ्रेंड्स, 2x माइनस 8 प्लस ब्रेथ क्या है x। सो अब अपन 2 को फर्स्ट इधर लेकर आ जाएंगे फ्रेंड्स। सो ट्रांसपोज करेंगे, सो 56 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2x प्लस x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा फ्रेंड, माइनस 8। 2 1 2 2 4, सो 1 बचेगा तो 16 क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स। सो 28 इज इक्वल टू 3x माइनस 8। अभी मैं 8 को क्या करूँगा, माइनस 8 को ट्रांसपोज करूँगा, 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 3x। ओके, अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, 28 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू 3x। सो अपने को यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। सो x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3, चाहे मैं इधर लिखो चाहे वो इधर लिखो, सेम ही छूंगा फ्रेंड। x 3 1 3 12 जा, सो x इज इक्वल टू 12 आया। ओके, सो ये क्या हो गया फ्रेंड, ब्रेथ हो गया। सो ये अपन को 12 मीटर्स आया ब्रेथ। अपन किसको x माने थे, ब्रेथ को माने। अभी अपन को लेंथ भी फाइंड आउट करना है, लेंथ का क्या है, 2x माइनस 8 है। सो देखेंगे इधर, लेंथ इज इक्वल, देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज एल इज इक्वल टू 2x माइनस 8। सो x क्या है फ्रेंड्स, इधर 12 है, सो 2 इंटू 12 माइनस 8। सो 2 12 जा क्या होगा, 24 माइनस 8। सो इसका वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, 24 माइनस 8 करेंगे तो 16 मीटर्स आएगा। ऑलरेडी अपन को इधर ब्रेथ आ गया है, ये क्या है, ब्रेथ है। सो ब्रेथ 12 मीटर्स आ गया। ओके, सो इस तरह अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड, ये रेक्टेंगल है, ये ब्रेथ है। सो इससे अपन 9th क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। ओके, तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फ्रेंड। अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।